कैसे आप लोग। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है लेट्स टॉक अबाउट एसईओ। सो ऐसे एसईओ होता क्या है, क्या एसईओ सही में हेल्प करता है हमें हमारे वीडियो को रैंक करने में, या फिर सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए बनता है। सो एक्चुअली करता क्या है एसईओ, सब हम जानने वाले इसी वीडियो में। सो वीडियो में हम इसके साथ और एक चीज जानने वाले कि मैं इसमें भी आपको एक चीज शेयर करने वाला हूँ कि मेरे कौन से ट्रिक्स और टिप्स है जो मैं एसईओ के साथ इस्तेमाल करता हूँ और मेरा वीडियो को रैंक भी होता है प्लस उसमें व्यूज भी आ रहे। तो चलिए वीडियो को देख ही लेते हैं और जान लेते हैं एसईओ के बारे में। उससे पहले अगर चैनल पर नया आना सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बजा दो ताकि मैं सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको क्या एसईओ के बारे में और जानना है या फिर आपको इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी एसईओ के बारे में पता चले और वो भी अगर यूट्यूबर्स हो तो वो अपने वीडियो को रैंक कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ये एसईओ होता क्या, सिंपली हम एसईओ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबको पता ही एसईओ का, और नहीं भी पता है तो हम बता देते भी। एसईओ का सिर्फ फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसईओ का यानी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि क्या करता होगा। ये रिसर्च करता है, सर्च करता है, आपको बताता है कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग पे, कौन सा ये है उसमें आपको कौन से इसमें आपको वीडियोस में किस हिसाब से आपको बनाना है, कौन से टॉपिक के ऊपर और किस हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है जिससे वो आपके टॉप लिस्ट में आ जाए। सो एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। सो ब्लॉग्स आपने देखा होगा या फिर गूगल में कुछ भी अगर सर्च कर लो। सर रिसेंटली अभी माइक्रोमैक्स लॉन्च कर रहा है अपना फोन, उसमें बहुत ही वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है क्योंकि वो इंडिया का एक बड़ा स्मार्टफोन कम बैक करने वाला है। सो वही अगर आप माइक्रोमैक्स जाके सर्च कर दे तो गूगल में, सो आपको गूगल में ना सबसे पहले बहुत से अलग अलग ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे माइक्रोमैक्स के ऊपर। वहीं आपको माइक्रोमैक्स का देखने नहीं मिलेगा, पहले आपको देखने को मिल जाएगा फोर्थ या फिफ्थ में। बट अगर पहले आप देखोगे ना तो वहाँ ब्लॉगर्स, दूसरे जो ब्लॉगर्स है जो ब्लॉग्स टाइप करते हैं अपने इसमें नॉलेज शेयर करते हैं अपने ब्लॉग्स में, उनका ब्लॉग जल्दी दिखेगा गूगल में। तो ऐसा क्यों? सो ये एसईओ की वजह से, एसईओ उसने इस हिसाब से किया है कि उसका जो ब्लॉग्स है वो सबसे पहले रैंक हो जाए। तो ये ट्रेंडिंग है हमेशा, वो जो वीडियो है रैंक होता है नीचे होता है। यूट्यूब में भी वैसे ही वीडियोज होते हैं। गूगल्स में ब्लॉग्स है जैसे ये सब आर्टिकल्स है, वैसे अगर यूट्यूब में जाओ तो आपको वीडियोस देखने मिलते हैं, वीडियोस में ऐसे ही रैंक होते हैं। अगर कोई भी सर्च करते हो आप, रिसेंटली माइक्रोमैक्स का सेम टॉपिक यूट्यूब में भी ले लेते, अगर माइक्रोमैक्स आप सर्च करते हो तो माइक्रोमैक्स का वीडियो जो जिसने बनाया वो कंटेंट पे उसका वीडियोज देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करें तो आपको पता चलेगा टेक्निकल गुरुजी इन लोग ने भी बहुत ही वीडियो बनाया, पर उनका भी उतना कभी कभी रैंक नहीं होता बल्कि दूसरे यूट्यूबर्स का रैंक हो जाता है। कैसे होता है? सिंपली एसईओ की वजह से होता है। सो ये एसईओ का काम है कि अपना जो वीडियो है उसको अच्छे से प्रोटोकॉल से अच्छे से जो आपने उसमें अंदर इंसर्ट किया है वो अच्छे से वो प्रोटोटाइप करके आपका जो रिजल्ट है वो रैंक करेगा लिस्ट में। जो है आप जैसे सर्च करते हो आपको पहले 10 वीडियो में आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो सर्च किया वो बंदा रहता है यानी व्यूवर्स, तो वो व्यूवर भी उसी में देखेगा जिसमें उसको अच्छा लगे। टॉप 10 लिस्ट में उन लोग ज़्यादातर देखते हैं, और टॉप 10 लिस्ट में उसको अगर आपका वीडियो आता है तो वो क्लिकेबल हो जाता है, जिससे ऐसे आपको व्यूज भी आते हैं अच्छे खासे, आपका अच्छा खासा वीडियो रैंक हो जाता है। सो ये तो थी एसईओ का काम। सो अभी ये एसईओ सच में हम लोग यूट्यूबर्स को भी हेल्प करता है या फिर सिर्फ ब्लॉगर्स को हेल्प करता है, ये भी जान ही लेते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। सो ये ब्लॉग्स के लिए तो एसईओ बहुत से होता है, पर अगर ब्लॉग्स में आप एचटीएमएल की तरफ से यूज कर सकते हो, बॉडी टैग, एचटीएमएल, मेटा टैग, ये सब करके यूज करते हो आप ब्लॉग्स में, बट वो यूट्यूब में देखने को नहीं मिलता। को यूट्यूब में सिर्फ तीन चीज मिल जाता है, तीन चीज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते जैसे आप ब्लॉग्स में डालते हो। तो इसमें क्या करें हम, सो इस टाइटल को आपको ऐसा बनाना है, ऐसा टाइटल क्रिएट करना है जिससे वो मिलता जुलता हो आपके कंटेंट से, प्लस वो जो आपका टाइटल है वो सर्च भी होना चाहिए इतने बार, वैसा आपको रिलेटेड टाइटल बनाना है। और डिस्क्रिप्शन में ऐसा वर्डिंग से आपको यूज करना है जो कि आपका कंटेंट है उससे हो, और इतना भी नहीं करना है कि वो एकदम मिस हो जाए यानी वो खिचड़ी जैसा बन जाए। सो आपको चुन चुन के आपको दिखाना है और उसने यूज करना है वो वर्डिंग्स जो आपका कीवर्ड हो। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड ऐसा वर्ड जिसे आप सर्च करोगे ना तो आपका वीडियो आना चाहिए, आपका जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, तो कीवर्ड वो होता है। तो कीवर्ड एसईओ का सबसे मेन चीज है। सो अभी सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ जाए कि ये एसईओ क्या हम कैसे कर सकते हैं। सो एसईओ का बहुत ही अलग अलग तरीका है, बहुत लोगों का कोर्स रहता है, बहुत ये होता है। मैं आपको अगर बोलूँ तो आप अगर यूट्यूब के वीडियोज देख के सीख सकते हो और ऐसे अलग अलग चीजें, सो मैं भी सीख रहा हूँ। सो अभी मेरे ट्रिक्स और ट्रिक्स क्या है जो मैं यूज करता हूँ। सो गाइस चलिए अभी मैं अपने मेरे ये तो बात हो गई एसईओ की, सो गाइस मैं अभी अपने टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बता दूं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ एसईओ के साथ। सो गाइस बेसिकली एसईओ का ही पार्ट है जो कि मैं इसमें ज्यादा फोकस करता हूँ इस पांच पॉइंट में। तो ये कौन से पांच पॉइंट है, सो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है अच्छे से रैंकिंग के साथ। सो गाइस पहले तो आपको सबसे पहले वीडियो के तरफ देखने का, सो गाइस हमारा पहला पॉइंट है कि वीडियो के तरफ हमें
ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी में ध्यान देने का, क्योंकि हमारा वीडियो क्वालिटी और जो ऑडियो क्वालिटी है एकदम मैच होना चाहिए। साथ ही जितना अच्छा आप प्रोड्यूस कर सकते हो उतना अच्छा आपका वीडियो वॉच आवर बढ़ सकता है। तो जितना अच्छा वो क्वालिटी रहेगा ना, तो बंदा जो सामने आपका जो व्यूअर है आपका जो वीडियो देख रहा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो ज़्यादा अच्छे से देखेगा। तो जितना ज़्यादा अच्छा समझेगा ना वो ज़्यादा लेंथ तक देखेगा। तो मैं भी वही ट्राई करता हूँ कि मेरा कितना अच्छा ऑडियो मैं दे सकता हूँ मेरे वीडियोज़ में। तो ये तो पहला पॉइंट। सो दूसरा पॉइंट है आपका कि वीडियो का जो थंबनेल है वो कितना अच्छा हम बना सकते हैं और कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि कोई भी अगर बंदा वीडियो अगर वो टॉपिक पे सर्च करे, जैसे एक माइक्रोमैक्स का सर्च करता है तो वो माइक्रोमैक्स का जो वीडियो है आपका जो आ रहा है रैंक हो रहा है, भले उसमें 10th नंबर या 20th नंबर में जहां भी रैंक हो रहा है उसके सामने अगर खुलता है, अगर वो क्लिक अगर वो देखता है तो उसको क्लिक करना चाहिए। ऐसा अट्रैक्टिव आपका थंबनेल होना चाहिए। तो जितना अच्छा आप अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो ना उतना बना दो, क्योंकि अगर जितना अच्छा थंबनेल होगा तो बंदा देखेगा और क्लिक करेगा आपका व्यूअर, और वीडियो में आपका वॉच आवर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वो क्लिकेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वीडियो रैंक होना चालू हो जाएगा। और जो ये दूसरी बात थी बहुत ही मेन थी, उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इससे ही हमारा जो SEO का सिस्टम है ये चालू होने वाला है। सबसे टाइटल जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, प्लस वो जो टाइटल है ना आपका मेन कॉन्सेप्ट है, उसी में आपका कीवर्ड आने वाला है जो कि डिस्क्रिप्शन से आप उसमें डालने वाले हो। सो इस कीवर्ड जो है आपका यूज़ करना है आपको टाइटल में अच्छे से, जो कि सर्च होने वाला है आपका कंटेंट हो उससे मैच होने वाला चाहिए, प्लस वो सर्च भी होना चाहिए। अगर सिंपली मैं ये अगर SEO का जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, तो इसको मैं अगर सर्च करता हूँ इसमें सिर्फ SEO डालता हूँ तो उसके बाजू बाद में आपको मिल जाएगा सर्च SEO इन हिंदी, SEO इन फॉर यूट्यूब चैनल, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, वगैरह वगैरह देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं इसमें डालता हूँ तो मेरा जो SEO है तो वो तो रहेगा ही, मेरा कीवर्ड प्लस जो जो बाकी के जो वर्ड्स है वो भी मैं उठा के डालता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा ये टाइटल है वो और भी सर्चेबल हो। तो जब भी अगर कोई ऐसा सर्च करता है सर्च SEO इन हिंदी, ऐसा अगर SEO इन हिंदी कर देता है तो मेरा वीडियो यहाँ देखने का चांसेस आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा टाइटल है वो हमारे जो कंटेंट है उससे मैच होना चाहिए, प्लस वो क्लिकेबल वाला होना चाहिए। तो अभी चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, चौथा पॉइंट है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आपको इतना अच्छा बनाना है, प्लस उसमें जो आपका जो वर्डिंग्स है वो आपके जो टाइटल्स है उससे मैच होना चाहिए थोड़ा बहुत, प्लस उसका जो कीवर्ड है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। बट उसको इतना भी ज़्यादा मत कर देना कि वो कीवर्ड ना रहे, बस आपको कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा अगर करते हो तो वो उतना फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, और उसमें हो सके तो जितना ज़्यादा लिंक डाल सकते हो वो डाला करो, क्या लिंक की वजह से भी थोड़ा वीडियो में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैं वीडियो में लिंक डाल के भी दिखाऊँ नहीं भी डाल के दिखाऊँ, तो लिंक डालने से थोड़ा उसमें रैंक में जल्दी आने का शायद इसमें रह सकता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है, बट एक पॉइंट है जो कि मैं अपने इसमें यूज़ करता हूँ। तो आप भी करके देखिए आपको फ़र्क मिलता है कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। सो इस लास्ट और मेन पॉइंट सबसे टैग्स। सो इस हम क्या करते हैं, कोई भी टैग्स उठा के डाल देते हैं इसमें अपने चैनल के वीडियोज़ में, बस ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने कंटेंट से तो डालना ही आसपास, प्लस आपको जो वो यूट्यूब में वहाँ सर्च करके देखने का कि आपके कंटेंट्स के हिसाब से आपका कौन सा सर्च हो रहा है, जो कि यूट्यूब है उसमें आपको सर्च कर लेना है कि आपके वर्ड्स आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सा सर्च रिजल्ट देखने को मिलता है, तो वो आपको कॉपी करके उसमें डालना है। अगर आपको इसमें टैग्स में इतना दिक्कत हो रहा है, बस आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देख सकते हो, उनके इसमें बहुत अच्छे टैग्स रहते हैं जो कि उनके रिजल्ट्स उनको तो रैंक हो ही रहा है वीडियो, तो शायद आपका भी उसमें हेल्प कर दे, आपको सिंपली उनका कॉपी करके इसमें आप कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो जिसमें देख सकते हो। सो मैं तो प्रीफर करूँगा आप खुद का टैग डालिए जो यूट्यूब में आपको प्रीफर करता है, उसकी वजह से आपका जो खुद का वीडियो वो एक जगह लेवल में देखने को मिल जाएगा, वीडियो रैंक करता है। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली मेरे वीडियोस को रैंक करने में। तो ऐसे आप मेरे को बताएं कमेंट में कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल था कि नहीं, साथ ही वीडियो को कर दीजिए लाइक कमेंट और शेयर, और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था, आशा आपका दिन शुभ बीते। सो बाय।